फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 10 साल की बच्ची के लिए गाउन। इसके लिए हमने 2 मीटर ये ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर इसके लिए लाइनिंग ली है हमने। ये देखिए, इसका मेजरमेंट इस तरह से है। गाउन की फुल लेंथ रखनी है हमें 41.5 इंच। चोली इसमें से रखेंगे हम 12.5 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए ऊपर नीचे के लिए ऐड करेंगे तो 13.5 इंच। सीना रखेंगे 26 इंच, कमर है 24 इंच और घेरा रखना है हमें नीचे का 29 इंच। इसमें हम बोट नेक करने वाले हैं तो आगे का गला रखेंगे हम 3 इंच और पीछे का गला रखेंगे 1.5 इंच। इसी हिसाब से हम अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम चोली कट करेंगे। चोली के लिए हम मार्किंग करते हैं तो लेंथ रखनी है हमें चोली की 12.5 इंच। 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करते हैं ऊपर नीचे के लिए तो 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है, फोर लेयर्स हैं ये हमारे पास। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। साढ़े पांच इंच हमने शोल्डर ले लिए हैं। आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट रखेंगे हम 8 इंच। मार्किंग कर लेते हैं। गला रखेंगे यहां से 3 इंच, 3 3.5। आप जितने भी यहां पर, अगर कम शोल्डर रखना चाहते हैं आप, ये जो स्ट्रिप है ये आप पतली बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं या गले की गहराई। और अगर आप बोट नेक पसंद करते हैं तो बोट नेक में हम यहाँ लेंगे 3.5 इंच। यहां से यहां तैयार 3 इंच चाहिए हमें। इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ बोट नेक की शेप दे देंगे। ये हम देंगे यहाँ से 1.5 इंच। 1/2 इंच पर बिल्कुल सही बैठेगी हमारी, तो 1/2 इंच पर बोट नेक दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच हम यहाँ पर गला रखेंगे पीछे का, क्योंकि हम एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं अभी इनके। 1.5 इंच पर पीछे के गले के लिए मार्किंग कर देते हैं। ये हमारे गले ड्रॉ हो गए हैं। अब हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। फ्रंट के आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे यहां से। इस तरह ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये बैक आर्म होल है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसे मिला देते हैं यहां से। 1 इंच यहाँ हम मार्जिन पर रखेंगे। मार्जिन के साथ मार्किंग किया था क्योंकि हमने पहले यहाँ इस तरह से ही हमारी चोली की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे तो यहाँ बैक का गला कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्म होल कट करेंगे। पहले हमें बैक के आर्म होल कट करने हैं। शोल्डर डाउन दे देते हैं 1/4 इंच। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट अलग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो आर्म होल है इस पर गहराई दे देंगे और गले की कटिंग करेंगे।
फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम पहले घेरा निकाल लेते हैं। लाइनिंग कट करेंगे घेरे के लिए। इसके लिए हमने 2 मीटर में से चोली निकाल ली थी, बाकी का जो कपड़ा बचा है वो ले लिया है। इसकी लेंथ है हमारे कपड़े की 29 इंच, क्योंकि हमें जो घेरे की लंबाई रखनी है वो 29 इंच रखनी है। इसमें से 1-1 इंच अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा नीचे से, और ऊपर से भी फिर सिलाई में चला जाएगा, तो ये 27.5 इंच हमारा तैयार रह जाएगा। और ऊपर की जो घेरे की मेन फैब्रिक की लंबाई है वो हमें 29 इंच रखनी है, तो इसे 29 इंच ले लिया है हमने यहाँ से वहाँ तक। अब ये 4 फोल्ड कपड़ा है, इधर से फोल्डेड एरिया है ये हमारा, इस पर हम इस तरह से चोली को रखेंगे। चोली को रखने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे और इंच टेप को क्रॉस में रखेंगे इसके कॉर्नर से और यहाँ तक, और इस तरह निशान लगा लेंगे हम इस तरह से कॉर्नर तक निशान लगा लेंगे इसी तरह हम, और इसे यहाँ से यहाँ तक कट कर लेंगे हम। यही हमारी लाइनिंग कट हो गई है अंदर की। अब हम इस कपड़े में से घेरा निकालेंगे, ये हम अम्ब्रेला कट में बनाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है जो पहले हमने 2 फोल्ड किया है, इसे ये फोल्डेड एरिया है। यहाँ पर इस तरह से हमने कॉन बना के रखी हुई है, ये देखिए ये हमने कॉन बना के रखी हुई है कपड़े की इस तरह से। कॉन बनाने के बाद अब हम इस पर चोली रखेंगे हमारी, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चोली को रखेंगे और यह मार्किंग कर लेंगे इस तरह। अब हम यह नाप के देख लेते हैं कि हमारा कितना है ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पर पहले हम पूरे पर निशान लगा लेंगे इस तरह गोलाई देते हुए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम देखते हैं हमारी चोली थी 8 इंच की 4 फोल्ड में, तो ये कितना है, ये हमारा 8 इंच ही आ रहा है फिक्स। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसे कट कर लेंगे, फिर हम घेरे की लंबाई लेते हैं। घेरे की लंबाई थी हमारी 29 इंच, तो हम 29.5 लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा, नीचे हम पिको करवाएंगे और ऊपर के मार्जिन में भी जाएगा। तो यहाँ 29.5 इंच पर जिस तरह से हमने घेरा लिया था इसी तरह से यहाँ से नाप लेते हैं कि 29 इंच पर हमारा कितना आया है, ये आ रहा है हमारा 38.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह गुलाई देते हुए 38.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह हम पूरे पर 38.5 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ से वहाँ तक। फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगाते हुए हमने घेरे को ऊपर से और नीचे से कट कर लिया है। अब हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, इसमें से हम चोली निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो चोली के पार्ट हैं इन्हें रखते हुए हम चोली कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये अब हमारे पास 4 पीस हो गए हैं, 2 मेन फैब्रिक के और 2 हमारे पास ये अस्तल के पीस हो गए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से रखेंगे, ये देखिए ये सीधा पीस है हमारे पास, सीधा कपड़ा है, इसके ऊपर इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट है और इस पर यहाँ आर्म होल्स पर और यहाँ सिलाई लगा लेंगे, गले पर सिलाई लगा लेंगे हम और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस पीस को तैयार कर लेंगे हम। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट पर सेंटर में हम यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बटन बनाने वाले हैं, तो इसके चारों तरफ इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा लेंगे इसके पास में हम, दोनों किनारियों पर एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर। यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पलट लेंगे, इसके भी फिर आर्म होल और गला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्टों पर सिलाई लगा ली है, आर्म होल्स और गले पर, और ये पीछे की साइड हमने जो कट लगाया था इस पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिया और बीच में से इसे कट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब हम जो ये गोलाई वाला एरिया है इन पर नॉचिज लगा लेंगे यहाँ,
ये देखिए इस तरह से गुलाई वाले एरिया में सब जगह नॉचेज लगा लेंगे और इन्हें पलट कर सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों पार्टों को सीधा कर लिया है इस तरह से नॉचेज लगाते हुए, और ये इस तरह से हमारी पट्टी बनकर आ गई है। अब हम यहाँ पर एक तरफ डोरी लगा देंगे, एक तरफ बटन लगा देंगे, तो यहाँ पैक हो जाएगा और पहनने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम ये जो हमारा साइड की खुली हुई जगह है, इन पर सिलाई लगा कर इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। फिर पहले हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके बाद शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा ली है गले पर, मुड्डों पर और साइडों में, और आर्मोल्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस चोली को हम एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। इसमें हम ये जो साइड से कपड़ा निकला था, इसकी कलियों को जोड़ देंगे, जिससे इसका घेर और बढ़ जाएगा। इधर भी जोड़ देंगे और उधर भी जोड़ देंगे। दोनों तरफ हम इन कलियों को जोड़ के दोनों पार्टों में तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने ये जो कली निकली थी इन्हें लाइनिंग में अटैच कर लिया है और यहाँ से गोल शेप दे दिया है इसमें। अब इसे इस कपड़े पर कमर को अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये भी रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है इस तरह से, और कमर पर यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे इन्हें इस तरह से पकड़ते हुए। इसी तरह से दोनों पार्टों को तैयार कर लेते हैं, आगे का और पीछे का। ये देखिए फ्रेंड्स, कमर पे से हमने दोनों पार्टों में लाइनिंग अटैच कर ली है, फ्रंट और बैक में। अब इन्हें चोली में अटैच करेंगे। इस तरह से एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे चोली में। ये देखिए, इस तरह से लेते हुए और इसे इसमें अटैच कर लेंगे चोली को, और ये इस तरह से हमारी गाउन का पार्ट आ जाएगा। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्टों को हम इसमें अटैच कर लेते हैं घेरे में, फिर ये आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम इस तरह की दो स्ट्रिप लेंगे। ये हमारी चार चार इंच की स्ट्रिप है, और लंबाई आप जितनी लंबी बांधने के लिए तनी रखना चाहते हैं, पीछे जितनी भी स्ट्रिप्स रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। अब इन्हें इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर यहाँ आधा आधा इंच छोड़ते हुए और सिलाई देते जाएंगे। यहाँ इसमें इस तरह से सिलाई देंगे तिकोना। इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दो स्ट्रिप तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें बैक साइड में अटैच करेंगे इधर साइड में। जब भी हम सिलाई देंगे तो इसे इस तरह से यहाँ अटैच कर देंगे। एक स्ट्रिप को हम इधर अटैच कर देंगे इसमें, और एक स्ट्रिप को इधर अटैच कर देंगे इस कॉर्नर में। हम सिलाई देंगे तो ये बीच में आ जाएगी इस तरह से। ये हमारी स्ट्रिप्स भी अटैच हो गई हैं। अब हम इस गाउन को उल्टी कर लेते हैं। और दोनों साइडों में इस तरह चारों पार्टों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई दे लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से इसे पकड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो हम पूरे में सिलाई देंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम ये नीचे का पार्ट है तो ये मेन फैब्रिक है अंदर के, इनमें अलग सिलाई देंगे, और ये ऊपर का अस्तल है इसमें अलग सिलाई देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई दे लेते हैं। यहाँ हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है यहाँ एक एक इंच पे, क्योंकि हमने एक एक इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये फ्रेंड्स, ये हमारी चोली और घेर अटैच हो गए हैं। अब हम इनमें नीचे यहाँ इस पर पिको कर देंगे, और ये अंदर जो अस्तल का कपड़ा है इस पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पर ऊपर डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, इसे डिजाइनर लुक देने के लिए हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। इसके लिए ये देखिए, हमने इस तरह की स्टोन चैन ली है, इसे हम इस तरह से लगाएंगे इस पर। चाहे तो आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं, हॉट ग्लू हम या फिर फैब्रिक ग्लू किसी की भी हेल्प से आप इसे लगा सकते हैं इस तरह से। इसके बाद ये गोल्डन चैन ली है हमने, ये देखिए, इसे इस तरह से लगाएंगे और एक लड़ी इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ कमर पर भी लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये तैयार होकर इस तरह से हमारी गाउन का लुक आया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।